हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप इंडिया से आने वाले हो और सोच रहे हो कि क्या क्या बर्तन लेके आना है यहाँ यूके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूके में किस टाइप के बर्तन मिलते हैं और आपको क्या क्या चीज़ लाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो को आप देखना पूरा एंड तक, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से बर्तन आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मसाला कूटने वाला यहाँ पे 19 पाउंड का है, पत्थर वाला है ये। इस तरीके का अगर आप बोल ले रहे हो कांच का, ये बोल अलग अलग प्राइस में, साइज में अलग अलग, 5 पाउंड का है ये वाला साइज, 4 पाउंड का ये वाला है, अलग अलग है सबके प्राइस। यहाँ पे स्पैचुलाज जो है, ये ऐसे वुडन स्पैचुला 250 के हैं, 50 पेंस वाले भी हैं ऐसे छोटे वाले। मेजरिंग कप्स स्टील के हैं अच्छे वाले, ये देखो ये 7 पाउंड का है। कुकी कटर ये सब 450 का है, और ये मिक्स करने वाला है देखो 3 पाउंड 50 पेंस का है। मैशर 3 पाउंड 50 पेंस का है, और ये 6 पाउंड का है ये छन्नी, ये वाला ये देखो 3 पाउंड 50 पेंस का है ये भी सेम है प्राइस, 3 पाउंड 50 पेंस का है। यहाँ पे बेलन भी मिल जाता है, ये ऐसे वाला बेलन आप ले सकते हो, 5 पाउंड का है ये। स्टील के भी है मिक्सिंग बोल्स, ये आपको 7 पाउंड का पड़ेगा, बड़े साइज वाला है ये। पिलर 3 पाउंड 33 पेंस का है, 5 पाउंड वाला, ऐसे ऑफर भी रहते हैं कई बार। सॉल्ट एंड पेपर रखने वाला 4 पाउंड 83 पेंस का है, अलग अलग है ये, 10 पाउंड वाला है। ग्रेटर देखो घिसनी चाहिए, अलग अलग है ये, 10 पाउंड वाला है। छोटा वाला भी मिल जाएगा ऐसे सिंपल वाला जो, ये भी शायद 4 पाउंड का ही होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, निकल गया, बट ये भी 4 पाउंड के रेंज में ही होगा, 4 या 5 पाउंड में। सीज़र यहाँ पे मिल जाएगा, कैंची 4.5 पाउंड में है। चॉपिंग बोर्ड 20 पाउंड का है ये, बड़े साइज़ वाला, काफ़ी अच्छा है, हैवी है एकदम। अलग अलग वैरायटी के हैं यहाँ पे सब। नाइफ्स देखो, अलग अलग नाइफ्स के सेट हैं यहाँ पे, 12-12.5 पाउंड का है ये। ये सब भी देखो 8 पाउंड है, ये भी 8 पाउंड, 4.5 पाउंड में ये छोटा वाला मिल जाएगा, ये बड़ा साइज़ वाला है 8 पाउंड का ये। अलग अलग मिल जाएंगे यहाँ पे सब। केक यहाँ पे बहुत बनाते हैं लोग, तो यहाँ पे है ना लोग केक बहुत ज़्यादा बेक करते हैं, इसलिए केक बनाने के सारे आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे केक टिन्स वगैरह रखे हैं, पिज़्ज़ा टिन्स रखे हैं, बहुत सारे वेराइटी के हैं यहाँ पर। ये देखो ये 3.5 पाउंड का है ये वाला ट्रे जो हम लेने वाले हैं आज, एक ये बहुत ज़रूरी है, काम आता है। और ये ऐसे वाला है 7.5 पाउंड का है, ये ऐसे वाला छोटा वाला भी है, छोटा वाला ये 10 पाउंड वाला, छोटा तो नहीं है, क्वालिटी में डिफरेंस होगा शायद। ये वाला केक टिन 3 पाउंड का है। मफिन्स कप केक बनाने का 3.75 पाउंड 75 पेंस का ही है। देखो कैन ओपनर्स भी हैं यहाँ पे, ये देखो ये बास्केट बहुत प्यारा सा लग रहा है, ये 12 पाउंड का है। यहाँ पे ये हैबिटेट का डिनर सेट जो है 12 पीस स्टोन वेयर 60 पाउंड का है, 12 पीसेस हैं यहाँ पे, बाउल प्लेट्स और सब मिला के। 45 पाउंड वाला भी है उधर, और उससे भी सस्ता चाहिए तो ये है 30 पाउंड का है, ये होम का पोर्सलिन वाला है, वाइट पोर्सलिन 12 पीस है इसमें भी। तो ऐसे अलग अलग है, ये देखो ये है 25 पाउंड वाला, अभी 38 वाला 25 में मिल रहा है, हैबिटेट का है ये भी। 1 भी आप लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। सिंगल प्लेट्स देखो 2 पाउंड 81 पेंस का है ये, ऐसा वाला प्लेट
कटोरियाँ भी हैं छोटी छोटी सी, 3-3 पाउंड में है, 225 में भी है। यहाँ पे ये इस टाइप के भी सारे सामान है, देखते जो मैं रेट्स भी दिखाते जा रही हूँ सबके। स्पून सेट्स आप देख सकते हो 18 पाउंड में है ये सेट, ऊपर भी है अलग अलग। 3.5 पाउंड का ये छोटा 12 पीस वाला सेट है, दिखा देती हूँ। ये देखो ये है, छोटा सा है, छोटा स्पून है, 12 पीस है, 3.5 पाउंड का, अलग अलग है। ग्लास यहाँ पे है, ये देखो हैबिटेट वाले हैं ये ऐसे ग्लास, सब साइज के भी मिल जाएंगे। ग्लास के प्राइस भी आप देख लो। खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कढ़ाई, पैन। तो ये है पैन और कढ़ाई वाला सेक्शन, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आके आप ले सकते हो, ये है सेंसबेरी, सेंसबेरी में सारे चीज़ जो है मिल जाएंगे। प्राइस सबके अलग अलग रहते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आता है ये टेफल का, टेफल बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और यहाँ पे ये 20 पाउंड का है, और ये है 20 सेंटीमीटर वाला पैन, फ्राइंग पैन। कम प्राइस वाले भी आते हैं, ये 23 पाउंड में 28 सेंटीमीटर वोक है, स्टोन वर्क है इसमें भी, और अच्छा है काफ़ी। ये भी है 20 पाउंड का, फ्लैट ऐसा टाइप का पैन है ये, फ्राइंग पैन जैसा है। ये डीप ज़्यादा है, ये डीप थोड़ा सा कम है, और ऊपर में देखो, ऊपर में भी है सारे। ये देखो ये वाला जो है 20 पाउंड का है, काफ़ी अच्छा है। ये भी एल्युमिनियम सॉस पैन है, और इसका प्राइस देखो 20 पाउंड है। कई बार जो है ना ऑफर में भी रहता है, देखो वो 20 पाउंड वाला है 13 पाउंड, काफ़ी अच्छा है ये हैबिटेट का। और डीप देखो, इतना डीप है, और ढक्कन भी है साथ में, तो अच्छा है ये भी। तो यहाँ पे ये कढ़ाई पैन सब मिल जाता है, बड़े साइज़ का भी है। ये होम का आप लोगे तो ये थोड़ा सा सस्ता रहता है, 7.5 पाउंड में मिल जाएगा आपको। फ्राइंग पैन 32 सेंटीमीटर, ये 7.5 पाउंड का है, काफ़ी अच्छा है ये भी। देखो फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा है। छोटे साइज़ का फ्राइंग पैन 10 पाउंड का है, ये देखो ये वाला सस्ते में भी है, यानी कि अब 10 पाउंड मान लो 1000 रुपये का यला पाउंड पैन जो है मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज है सब चीज़ ही मिल जाता है यहाँ पे। ये 8 पाउंड का है ये वाला फ्राइंग पैन। चाय वगैरह बनाने के लिए छोटा सा 6 पाउंड का, ये देखो 14 सेंटीमीटर का है, चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म करने के लिए। ऑमलेट बनाने के लिए ये वाला पैन 12 पाउंड का है ये। कुछ ऐसे बिरयानी वगैरह बनाना हो तो ये वाला पैन काम आएगा, ये शायद 22 पाउंड का है, 24 सेंटीमीटर वाला यही है, बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे ये ढक्कन वाला है, 16 सेंटीमीटर का है ये सॉस पैन, चाय या दूध कुछ भी आप उबाल सकते हो, ये 16 पाउंड का है। तो यहाँ पे अभी शिप देख रहे हैं ट्रे, क्योंकि हम लोगों को ट्रे लेने वाला है, तो मैं इनको बोल रही हूँ ये वाला लेने। ये 8 पाउंड में देखो 3 सेट है, अलग अलग टाइप का है, तो ये वाला ज़्यादा मतलब बेस्ट है, जितने दिन चला चला फिर नया खरीद लेंगे। और एक ही 7.5 पाउंड में ये कितने का है, ये मेरे ख्याल ये 10 पाउंड का है। हाँ तो क्या मतलब है ना, हम तो वैसे भी ज़्यादा तो करते नहीं हैं, जब भी थोड़ा बहुत यूज़ है। क्वालिटी वाइज देखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लेके भी हमको चाहिए नहीं, सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए। दोनों होम का ही है, सेम कंपनी। अच्छा तो क्वालिटी अलग अलग होगा, ये वाला ले लो, मुझे ऐसा लग रहा है ये सही है। तो यहाँ पे बेसिक सारे बर्तन मिल जाते हैं। अगर आप कुकर वगैरह लेना चाहोगे तो आपको यहाँ के ग्रोसरी सुपर स्टोर में नहीं मिलने वाले, फिर अगर
आपको कुकर चाहिए तो अमेज़न यूके से खरीदना पड़ेगा या फिर कोई इंडियन शॉप से खरीदना पड़ेगा। हाँ डो मेकर, आटा गूंदने का भी मशीन मिल जाता है, दिखाती हूँ चलो। ये देखो ये सारे जो है ना ये सिरेमिक वाले हैं, कांच के हैं ये सारे ट्रे और ये सब बोल्स, सर्विंग के लिए भी काम आएगा। यहाँ पे देखो ये कैस्ट्रोल डिश है, एक कैस्ट्रोल टाइप का। वो हॉस्पिटल या मिलिट्री वगैरह में मिलता था ना ये, ऐसा टाइप का लग रहा है मुझे। थाली थाली कम प्लेट, थाली कम प्लेट, थाली कम प्लेट। अरे कहना क्या चाहते हो? दोनों में काम आएगा। तो ये है एयर फ्रायर, 40 pound का है, 45 वाला ऑफर में है अभी 40। तो ये सब सामान यही ज्यादा अच्छा मिलता है। आटा गूंदने वाला ये 85 pound का है। और यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह भी मिल जाता है आसानी से। ये सब सामान यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली मिक्सर नहीं है, जग ब्लेंडर यानी कि फ्रूट जूस वगैरह का है। ये 22-40 pound का है। हैंड ब्लेंडर 14-40 का है। ये सब तो यही अच्छा मिलता है ज़्यादा। केटल सो गाइज आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे स्नो चालू हो चुका है तो जल्दी जल्दी घर भागते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।